हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग के लिए फिर एक नया वीडियो लाया हूँ, ठीक है। ये DMRC में के लिए मैंने एक सर्वे किया था, तो उसमें काफ़ी बच्चे, मतलब 71% बच्चे, मे बी 71 की 74% बच्चे बोले थे कि मैं इंग्लिश के में पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो DMRC का एग्ज़ाम आने वाला है, या DMRC हो, LMRC है, जो भी मेट्रो से रिलेटेड हो, उसमें इंग्लिश काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो मैंने सोचा कि पहले इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। इंग्लिश के सिलेबस में क्या होता है कि जो एनोनियम होता है, सेंटोनियम्स होता है, सो ये सब ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है। तो सो मैंने सोचा कि पहले वर्ड पावर, जो वोकैब है, पहले मैं उसे कंप्लीट करा दूँ, फिर देन आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं इंग्लिश का ग्रामर पार्ट भी धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने सोचा हूँ कि रोज़ मैं जो मेरा टाइमिंग रहेगा, मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग में 5 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग हाली का मैं ये वीडियो रात में ही अपलोड करूंगा, ठीक है। और या नहीं तो अगर रात में नहीं कर पाया तो मॉर्निंग में आप लोग के बिस्तर पे, आप लोग बिस्तर पे जब सो के उठते हैं तब ही आप उसी टाइम वीडियो देख सकते हैं। वर्ड पावर मैं रोज़ 20 वर्ड कराऊंगा, वोकैब कराऊंगा, जो एग्ज़ाम के, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम, ये तब तक ये क्लास चलेगी जब तक एग्ज़ाम ना हो जाती है DMRC का, तब तक ये रहेगा, ठीक है। और आप लोग बोलिएगा तो और भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, बेकार लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर कोई भी कमेंट करना है या कोई भी एडवाइस देना तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड थे और इसीलिए मैंने सोचा कि चालू करा दूँ, ठीक है। तो मैं रोज़ प्रतिदिन, और मैंने ये बुक आज ही मंगवाया हूँ मार्केट से, ठीक है। तो रोज़ मैं आज से मैं स्टार्ट रहेगा मेरा क्लास, ठीक है। और रोज़ प्रतिदिन आप लोग को मॉर्निंग में 20 वर्ड पावर आप लोग को मिल जाएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड पावर है, सेट नंबर 1 है, ठीक है। 1 से 20 करवाऊंगा, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती, तो मैंने इसीलिए बताया था कि, ठीक है। तो सिनोनिम मतलब होता है कि सेम वर्ड, ठीक है। और एंटोनिम्स होता है कि अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो ऐसे अपोजिट आप लोग इस तरह याद रखेंगे, हाँ, ठीक है। हल्का ओ से होता है, ठीक है। तो बट कोई नहीं, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे मान लें कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट, जैसे कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि दबाव या मजबूरी, ठीक है, मजबूरी। तो इसका हम जो बोलेंगे सिनोनिम्स बोलेंगे कौन कौन सा, तो टेंशन बोलेंगे, ठीक है ना, कम, ठीक है ना। इसको फिर बोलेंगे कंप्लीजेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, रिस्ट्रेंट्स। तो सेम ये 3 वर्ड हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, या वीडियो को अगेंस्ट भी देख सकते हैं, डिल्यूट, ठीक है ना। सो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिल्यूट, ठीक है, जो एग्जाम में भी काफ़ी मुझे मुझे नज़र आ गया था। सो डिल्यूट मीन्स होता है मोहित करना या ठगना, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिसीव्स, ठीक है, और मिसलेड्स, ठीक है ना, इम्पोज अपॉन, ठीक है। तो ये 3 वर्ड हो जाता है इसके लिए। सो डिल्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आप लोग को बता दूँ जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। डिसपेयरिंग मिस अपेक्षा या निंदा करना किसी को, क्रिटिसाइज, सो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिसाइज, ठीक है ना, क्रिटिसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्या, बिलियटल, ठीक है, कौन सा है, बिलियटल्स, ठीक है ना, डिस्प्रिकेट करना, ठीक है। तो सो दिस वर्ड्स, इसका भी 3 वर्ड है, ठीक है। इसका सेम सेम वर्ड है, आप लोग इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये कौन सा है, डोसाइल, DOCIL है, क्या DOCIL, डोसाइल है मतलब सीखने के योग या अधीन, क्या होता है, सीखने के योग या अधीन, किसका क्या होता है, वाइलिंग टू अबे या टेकेबल, ठीक है। इसका 2 वर्ड हो जाता है, ठीक है। ये वर्ड तो मुझे नज़र इतना नहीं आया, बट हाँ, हर वर्ड पढ़ना है आपको, ठीक है। काफ़ी मैं लगभग 1000 वोकैब लगभग कराऊंगा, ठीक है, जो मेरे ख्याल से, क्योंकि वोकैब में मैं बता दूँ, इंग्लिश अगर 60 नंबर का है ना, तो अगर आप 60 नंबर 30 नंबर तो समझ लीजिए इसी सबसे रहेगा, इसी पार्ट से जो मैं करवा रहा हूँ इसी पार्ट से रहेगा। और ग्रामर में बता दूँ ना, तो 20 नंबर या 25 नंबर ग्रामर भी रहेगा, 50-50% का एक रेशियो होता है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले वोकैब करा देता हूँ, क्योंकि वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप 2-3 बार देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और अगला वर्ड है इमिटेड, ठीक है ना, क्या है, इमिटेड, ठीक है ना,
क्या अगला वर्ड, इमिसिटेट, क्या है स्पेलिंग है, EMACITAED, ठीक है ना, मिस दुर्बल या, ठीक है, दुर्बल होता है या श्रीन होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है लीन, ठीक है ना, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, मतलब लीन होना मतलब किसी चीज़ में एक होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाना, यही होता है, ठीक है ना, थीन या लेनिंग या वेस्टेड, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाता है। और इक्वेटेबल मीन्स निपेक्ष, क्या होता है, अनबेस्ड या इम्पेरिटियल्स या फायर या जस्ट, ठीक है, और सो ये वर्ड होता है। और इसके बाद है इन, ठीक है ना, इसके बाद अगला वर्ड है इंट्रिकेट्स मीन्स अनमूलन करना या हटाना, ठीक है ना, एक्सट्रीमेंट या रूट आउट या वाइप आउट, ठीक है, सो ये वर्ड हो जाता है। और मैं आपके लिए थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ, ठीक है ना, इन कांग्रेस, अगला वर्ड जो हो जाता है इन कांग्रेस मीन्स असंगत या बेमल्स या नॉट एपोडिएटेड या अनस्टेबल्स, ठीक है, सो ये वर्ड हो जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे इनकम्बेंट्स मीन्स आश्चर्यित, मतलब डिस्पेंडिट्स या रेस्टिंग्स या लेइंग्स हो जाता है। इंट्रीपेड्स मीन्स, इंट्रीपेड्स मीन्स होता है इंट्रीपेड्स मीन्स निडर्स, निभय, जो डरता नहीं हो उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, अंटिन अन क्या है इसका, अन डाइंटेड, अनडाइंटेड, ठीक है, ब्रेव या फेयरलेस, ठीक है, जो डरता ना हो, निडर, फेयरलेस, ये इंपॉर्टेंट ये वर्ड आ जाता है, तो फेयरलेस नज़र आ जाता है, ठीक है। लिब्ड मीन्स होता है नीले रंग का या अग्र, ठीक है ना, फेरियस या डिस्कुरियस या एंग्री, ठीक है। और आगे बात करें लॉन्ग्रेविटी मिस दीर्घ या चितरंजीवी, ठीक है, मिस लॉन्ग, ठीक है ना, एक्सटेंसिव ऑफ लाइफ, ठीक है। मिनायल मिस होता है नीचे, दास या नौकर, मिस लोस सर्वेंट या सर्वाइल वर्ड काफी, ये दो वर्ड आ जाता है, सर्वाइल या मीन, ठीक है, सो ये वर्ड होता है, ठीक है ना। अगला मैं बात करूँ ऑस्टिनियस मिस दिखावटा या, ठीक है ना, ठीक है, अड अड मवरी या अडमबड़ी हो जाता है, टू डिस्प्लेस शो, मतलब जो दिखावटा करना होता है आप इतना समझेंगे, दिखावटा करना जैसे शो या एक्स एक्स हिबेट्स, मतलब अब मैं बता दूँ बहुत ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अगर मान लो दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, इस वर्ड को गूगल पे लिखेंगे, ठीक है, और वहाँ पे भी एक स्लो मोशन होता है सुनने वाला, तो वहाँ सुनेंगे एक दो बार वर्ड को बोलेंगे तो अपने आप प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा, ठीक है। हर इंसान का, चाहे जो भी बच्चे हो, बहुत ऐसे बच्चे हैं हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, हर को प्रॉब्लम होता है, मैं भी इंग्लिश मीडियम से, मुझे भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हिंदी मीडियम से मेरे दोस्त है उसे भी प्रॉब्लम होता है, तो हर इंसान को एक दूसरे को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि नहीं, इंसान हर को प्रॉब्लम होता है भाई, मैं आप लोग बता दूँ। अगला ठीक है ना, अगला वर्ड है ओएस्ट मिस बेदखल करना, ठीक है ना, एक्सपेल या, ठीक है ना, डिप्राइव ऑफ पोजीशन, ठीक है, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो अपने आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। इस अगला वर्ड है पेन्यूर्स मिस गरीबी, इसका होता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉवर्टी या स्कार्सिटी, ठीक है, स्कार्सिटी में समझ मत होता है खरीदना या दृढ़ता, ठीक है ना, पेन्यूर मिस दृढ़ता, ठीक है ना। रिप्लेट, ठीक है, रिप्लेट्स मिस भरपूर भरा हुआ, ठीक है ना, रिप्लेट्स मिस क्या होता है, भरपूर या भरा हुआ, फिल्ड वेल्थ, ठीक है ना, ठीक है ना, स्टोरेट्स या कंप्लीट, ठीक है, नाम से ही है रिप्लेट, ठीक है। अगला अगला वर्ड है, ठीक है ना, सजेशन है SEDITION, सडिशन मिस विद्रोह या राजद्रोह, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवोल्ट, रिवोल्ट मिस होता ही है विद्रोह करना, ठीक है, और इसका होता है, ठीक है ना, मुटिनीस एंड द एंड, ठीक है, एलिगिटेशन, ठीक है, सो होता है, ठीक है। आगे का वर्ड है, आगे का वर्ड है टनेसस मिस दृढ़ संकल्प या आयरन विल्स या रिटेंटिव या अडेसिव, ठीक है। और अगला वर्ड जो है अनरिस्टिकल्स मिस, ठीक है ना, अपमानजनक या अनैतिक, मिस अब नॉर्मल विकेट्स या डिसनॉट, ठीक है ना, क्या है, डिस
ऑनर्स, ठीक है। सो 20 वर्ड मैंने करवा दिया गैस। तो आज के लिए बस यही, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आपका दिन का शुरुआत अच्छे हो, ठीक है। और वर्ड 2-3 बार देखेंगे तो मे बी कंप्लीट हो जाएगा, और लिख के होगा तो प्रयास करेंगे, जैसे हो अपने हिसाब से करेंगे, बट वर्ड पावर तो याद करना, दिस इज़ द वेरी नेसेसरी फॉर एग्जाम पर्पज। सो डेट्स वाई दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द DMRC एग्जाम्स, एंड जो भी है मेट्रो से रिलेटेड एग्जाम उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, मैं इसी तरह वीडियो को लाता रहता हूँ, ठीक है। रोज़ लाऊंगा आप लोग के लिए, रोज़ 5 बजे आप लोग के लिए मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगा, बिस्तर छोड़ने से पहले आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।